गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट बेटा क्लास 10th। आज की क्लास में हम आपको मैथ्स की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करवाएंगे। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी ₹160। आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड जियोमेट्रिकली। 2 kg सेमफल और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹160 था। एक दिन एक महीने बाद 4 kg सेमफल और 2 kg अंगूर का मूल्य ₹300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामिति रूप में व्यक्त कीजिए। सॉल्यूशन पर आते हैं हम। सॉल्यूशन है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स, 1 kg सेब की कीमत हमने क्या मान ली, x मान ली, ठीक है। एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स, और ग्रेप्स की कीमत कितनी मान ली हमने, y, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, पहले 2 kg एप्पल, तो 2 kg बोला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 1 kg ग्रेप्स, तो y में 1 का मल्टीप्लाई है, तो y इज इक्वल टू 160, ठीक है। कितनी कीमत है उसकी, 160। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी। सेकेंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम, अब हमें बोला है 4 kg एप्पल, तो 4 kg एप्पल, तो 1 kg का क्या है, x है, 4 kg में 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x प्लस 2 kg ग्रेप्स, तो 2y इज इक्वल टू 300। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये हमारा एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब हम इसे ग्राफिकली या फिर जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारी इक्वेशन सेकेंड है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें y की वैल्यू मिलती है, y की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें x की वैल्यू मिलती है, ठीक है। रफ है ये, आपको लिखना नहीं है, समझने के लिए है ये, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन है आपकी 2x प्लस y इज इक्वल टू 160। हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 60 पुट किया हमने, तो x के प्लस पे क्या रखेंगे हम, 60 रखेंगे, तो 2 इंटू x के प्लस पे 60 प्लस y इज इक्वल टू 160। y एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 160, 60 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। अब प्लस का 120 है, इक्वल किधर आएगा, तो माइनस का 120, y इज इक्वल टू 40। अब पुट y इज इक्वल टू 20 पुट करेंगे हम, तो y के प्लस पे क्या पुट किया हमने, 20, 20 प्लस का है, इक्वल किधर आएगा, तो माइनस का हो जाएगा। 160 में से 20 जाएंगे तो 140 बचेगा। x इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाई 2, 2 ones are 2, 2 sevens are 14, 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 70 आ जाएगी। वैसे ही हम इक्वेशन सेकंड में क्या करेंगे, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300, x की वैल्यू हमने 60 पुट की तो हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 30, और हमने y की वैल्यू 50 पुट की तो x की वैल्यू हमें 50 मिली, ठीक है। हम इसे ग्राफ बनाते हैं इसका, देखिए ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी x डैश है, ये y एक्सिस, ये y डैश, ठीक है। x एक्सिस में क्या आते हैं, पॉजिटिव साइन आता है, राइट साइड पॉजिटिव साइन और लेफ्ट साइड नेगेटिव साइन, ठीक है। फर्स्ट क्या है हमारा टेबल में, देखिए x की वैल्यू क्या है, 60, और y की वैल्यू 40, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 60 देखेंगे, x की वैल्यू 60 यहाँ पर है हमारे पास, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास, 40, तो y की वैल्यू 40, ठीक है। 60 और 40 के बीच में लिख देंगे हम, एक डॉट लगा देंगे 60 और 40। सेकेंड है x की वैल्यू 70 और y की वैल्यू 20, x की वैल्यू 70 और y की वैल्यू 20, तो क्या हो जाएगा, 70 और 20। इन दोनों पॉइंट्स को हम लाइन बना देंगे इसके ऊपर, ठीक है। ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, 2x प्लस y इज इक्वल टू 160। सेकेंड है आपकी इक्वेशन x की वैल्यू 60, x की वैल्यू क्या है, 60, तो y की वैल्यू 30, ये बन जाएगा हमारा 60, 30, x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू भी 50, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50, और y की वैल्यू भी 50, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को हम लाइन से लाइन बना देंगे इसके ऊपर भी, ठीक है। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300, ठीक है। ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 3.2 को हम कल की क्लास से कंटिन्यू करेंगे।